परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है, ये सारे आजादारों पे जहरा की अता है। इस परचम अब्बास को जैनब की दुआ है, कौन इसको झुकाएगा भला, किस में है ये दम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। आमद मोहर्रम के साथ ही अलम पाक सवार करने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं हैदराबाद में आजादारी के सबसे कदीम और मोतबर मरकज कदमगा मौला अली पर भी अलम पाक सवार कर दिया गया। कदमगा मौला अली का दरबार है, मौला अली के कदमगा है, जहाँ पर आज ये अलम पाक बुलंद हो रहा है। और ये सदियों से ये रवायात है हमारे यहाँ कि अलम पाक हज के दौरान उतरता है, फिर हज की 29 तारीख को ये सवार होता है। इस मौके पर सैकड़ों आजादारान ने शिरकत की और लब्बैक या हुसैन की फलक शगाफ सदाओं के साथ अलम पाक को सवार किया गया और नुआखानी भी की गई। शिफा बांट रहा है, दुनिया को मोहब्बत की फिजा बांट रहा है, औलाद मकार इसको वफा बांट रहा है। कदमगा मौला अली जो एक मेन एक तकरीब है आज अलम पाक के सवार होने की, तो ये मेरा इंतखाबी हलका है और मैं यहाँ पर हर साल मौजूद होता हूँ, वैसे भी यहाँ पर आता रहता हूँ, तो आज इसी सिलसिले में हम यहाँ पर खड़े हैं। फजा जो है वो सोगवार है, मौला हुसैन और मौला के जो 72 शहदा हैं उनके गम में, और इंशाल्लाह ये ऐद है इस अलम बुलंद के साथ ही जब ये होगा कि ये मातम सदा रहेगा और इंशाल्लाह बपा रहेगा। अब्बास का